वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाइयों, काफ़ी महिलाएं और पुरुष गुटखा, सुपारी, खैनी या किसी भी प्रकार का तंबाकू चबाते रहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि तंबाकू का प्रयोग करने से हमारे शरीर में क्या नुकसान होते हैं, जिसकी वजह से लंबे समय तक तंबाकू का सेवन करते रहने से उनके शरीर में भयंकर से भयंकर नुकसान होते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गुटखा, सुपारी, खैनी या किसी भी प्रकार का तंबाकू को चबाने से हमारे शरीर में क्या नुकसान होते हैं। तो इस विषय में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। फेफड़ों का, मुँह का, नाक का, गले का, जीभ का, भोजन की नली का, अग्नाशय का, किडनी का, गर्भाशय का, अंडाशय का, पेशाब की नली का, लीवर का, मूत्राशय का, आंत का और भाइयों पेट का कैंसर हो जाता है। दांत खराब हो जाते हैं, कोरोनरी धमनी रोग हो जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है, स्ट्रोक आने का खतरा बना रहता है, गैंग्रीन हो जाता है, अस्थमा की शिकायत हो जाती है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो जाती है, सांस का फूलना, खांसी, सर्दी और पीठ में दर्द बना रहता है, शरीर पर घाव हो जाते हैं जो लंबे समय तक ठीक नहीं होते हैं, बच्चे पैदा करने में कठिनाई होती है और भाइयों महिलाओं में पीरियड्स अनियमित हो जाता है। तो भाइयों, गुटखा, सुपारी, खैनी या किसी भी प्रकार का तंबाकू को चबाने से ये सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो भाइयों, अगर आप तंबाकू का प्रयोग करते हैं तो आप इसको तुरंत ही छोड़ दें। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। नमस्कार भाई।